हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलपी ब्यूटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग को कलर मेट का कलर कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊँगी, एंड तक वीडियो के एंड तक बन रहिएगा। कुछ भी पूछना तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि जब आप बालों में हेयर कलर कोई भी कलर लगाते हैं या फिर मेहंदी भी लगाते हैं तो आपके सॉरी मेहंदी नहीं कलर लगाते हैं कोई भी, तो अगर आपको कलर लगाना है तो आपके बालों में कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए, कुछ भी मतलब ऊपर से आपने नहीं लगाया हुआ है तभी आपके बालों में कलर आएगा, नहीं तो आपके बालों में कलर नहीं आएगा। और आपने मेहंदी लगाई हुई है तो भी आपको कम से कम 1 से 2 महीने का गैप देना है, तभी आपको कोई कलर लगाना है, तभी आपके बालों में कलर आएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो मेहंदी अगर लगा रहे हैं तो अगर आप कलर मेट यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपके बालों में कलर ना आए। तो अगर फिर भी आपको कलर चाहिए तो पहले आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कीजिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद ही कोई भी कलर यूज करें, क्योंकि अगर आपको 1-2 दिन हो गया है हेयर वॉश किए हुए तो हल्का हल्का ऑयल में ऑटोमेटिकली स्किन में से ऑयल निकलता है और वो बाल ऑयली हो जाते हैं और फिर कलर नहीं आ पाता है। तो आप जब भी हेयर वॉश करना है तो आप हेयर कलर करना है तो आप हेयर को वॉश कर लीजिए अच्छे से और पूरा अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कलर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कलर मेट कलर की, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से दिख रहा है, कलर मेट कलर की बात कर रही हूँ और इसको किस तरीके से लगाना है वो बता देती हूँ। तो अच्छे से बालों को वॉश करना है, मेहंदी लगाया है तो हो सकता है कि आपके बालों में कलर ना आए, और फिर भी आपको कलर चाहिए तो आप बालों को पहले ब्लीच कर लीजिए उसके बाद कलर कीजिए, अच्छे से कलर आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या हुआ है अभी। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो ये कलर मेट है, इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर क्रीम दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग ये क्रीम दी हुई है। इसके बैक में इसको खोलने के लिए दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है डेवलपर, कलर डेवलपर। उसके बाद से एक कंडीशनर दिया हुआ है जो कि आपको हेयर वॉश करने के बाद से यूज करना है। और इसमें एक पर्ची दी हुई है जिसमें कि आपको इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, विधि कैसे लगाना है क्या करना है सब कुछ, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि इसे कोई भी पढ़ सकता है अच्छे से। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 50 रुपीज़ का आता है, ये देखिए यहाँ पे दाम भी लिखा हुआ है इसका, 50 रुपीज़ में आता है। इसमें दो ग्लव्स भी दिए हुए हैं, ग्लव्स को पहले खोल लीजिए अच्छे से। सॉरी, उल्टा पहन लिया मैंने यहाँ पे। पहले आप ग्लव्स को पहन लीजिए उसके बाद ही इसको बनाइएगा, हो सकता है कि आपके हाथों में जलन वगैरह हो जाए। तो इसको मैंने खोल रखा है और इसको इस तरीके से उसको ढक्कन को लगा के पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि खुल गया है। और आप इसको मिक्स करने के लिए कांच का ही बाउल यूज़ कीजिएगा, प्लास्टिक या स्टील का यूज़ नहीं करना है। ओके, आप चाहें तो ग्लव्स पहनने से पहले भी इसको मिला सकते हैं, क्योंकि ग्लव्स पहनने के वास्ते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मिक्स करने में। अच्छे से इसको निकाल लीजिए, उंगलियों से मिक्स नहीं करना है इसको, आप ब्रश या फिर मतलब ब्रश से ही यूज करना है, प्लास्टिक की चीज़ से आप इसको कांच स्टील या फिर स्टील से यूज़ नहीं करना है, स्टील से नहीं मिक्स करना है। अब जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे इसका कलर चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, मैं ये वाला कलर लगाने वाली हूँ अपने बाल में।
थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस कलर का ये हो जाएगा मिक्स करने के बाद, से पहले वाइट था। और मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना है। तो आपने इसको मिक्स करने का पूरा अच्छे से देख लिया है, तो अपने बालों को ओपन कर लीजिए। मैं इसको एक बार और यूज कर चुकी हूँ, आपको फर्स्ट टाइम यूज करना है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, या तो अपने काम के पीछे या फिर मैंने बताया था यहाँ पे, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, शीशा अपने पास ही रखिएगा ताकि इसमें देख देख के आप इजीली लगा सकें। जब आप इस तरीके से लगा लेंगे अच्छे से एक बार कॉम कर लीजिए ताकि पूरा हेयर कलर आपके बालों में मिक्स हो जाए। अच्छे से पूरे कोनी में भी मिक्स हो जाएगा। पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको फोल्ड करके हेयर को रबड़ लगा दीजिए, और इसको आप कम से कम आधा घंटा तक रखना है। अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा ताकि इधर उधर कहीं लगे ना इसके लिए। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें ब्लैक कलर और गंदी कलर सब आता है, बट मुझे रेड वाला ही मिला तो मैंने अभी यही वाला लगा लिया है और ये वाला वीडियो भी बना लिया है ताकि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो इसको आधे घंटे तक रखना है, और धोने के बाद से कैसा कलर आता है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी आधा घंटा बीत जाए, तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो ये है मेरा फाइनल लुक हेयर वॉश करने के बाद से। इस तरीके का कलर आया था और बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर, ये देखिए। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद का जो वीडियो है वो मैंने अंधेरे, मतलब रोशनी, सूर्य की रोशनी जो थी वो मेरे पीछे से आई थी, तो अंधेरा आया तो उसमें कलर नहीं दिख रहा। तो ये देखिए गाइस, मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे बालों का कलर तो कैसा लग रहा है आप लोग को, अच्छा आया है ना कलर? फर्स्ट टाइम मैंने फुल हेयर में ये वाला कलर किया है, मतलब ओनली कलर हेयर हाईलाइट्स के साथ मैंने एक बार कलर किया था, तो वो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की भी है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को मेरा हेयर कलर अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिले। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके पास, जिसको भी आप जानते हो। और भी कुछ आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय गाइस।